मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। सो हम लोग सुबह ही रेडी हो गए हैं, वैसे इतनी ज़्यादा सुबह नहीं है, 9:30 हुए हैं। आज हम जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस। एक्चुअली हमें हमारा पासपोर्ट करना है रीन्यू। लास्ट टाइम मैं बोल रही थी अप्लाई करना, अप्लाई नहीं करना, हमें सिर्फ कुछ चेंजेस चाहिए उसमें। उसके लिए हमारी अपॉइंटमेंट है केस ऑफिसर के साथ, देखते हैं बातचीत करके अगर हमारा प्रोसेस हो जाता है जल्दी तो अच्छा है। वैसे कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है पासपोर्ट प्रोसेस में, 1-2 महीने लग रहे हैं। यूजली 7 डेज में आ जाता है आपका पासपोर्ट। लास्ट टाइम मेरा 7 डेज में, लेस देन 7 डेज में आ गया था। सो देखते हैं क्या होता है। एंड हस्बैंड को मैंने कहा था कि चाय बना दे, तो उन्होंने चाय बनाई मेरे लिए स्वीट टी। और कप को रखने से पहले उन्होंने इसमें शुगर डाल दी, क्योंकि यूजली मैं कप जब मशीन से उतारती हूँ तब मैं शुगर एंड क्रीम ऐड करती हूँ, तो मैंने उतार के दोबारा से ऐड कर ली। सो इसमें हो गई है डबल शुगर एंड बहुत ज़्यादा मीठी हो गई है, तो हस्बैंड ने पीनी है। मैं सोचा मैं ही पी लेनी है थोड़ी सी। एंड हिम्मत की तबीयत लिटिल बिट ख़राब हो गई है, क्योंकि हमारे कोई दोस्त आए थे, उनके बच्चे के नोज़ ही थोड़ा सा ख़राब था, तो हिम्मत बहुत जल्दी कैच कर लेता है। सो या थोड़ा इसको कोल्ड हो गया है। एंड या मैंने इन कोल्ड कहते हैं नोज़ नू, ना नोज़ जो थोड़ा नहीं होंगे दैट्स अ कोल्ड। बस उसे कोल्ड है एंड थोड़ा सा सोर थ्रोट है, बाकी फीवर तो नहीं है, हो जाएगा आप सही। पर ये भी हमारे साथ ही जा रहा है, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट हमें मिली है दूर किचनर में, क्योंकि ये इस GTA के अराउंड बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो हिम्मत मैंने सोचा साथ ही ले जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा समय लगेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा। सो यस, ही गॉट स्टे विद अस एंड वी आर गोइंग इन 5-10 मिनट्स। गुड मॉर्निंग मानो। गुड मॉर्निंग, व्हाट हैपेंड टू यू स्वीटी? सिक एंड वी आर गोइंग टू पोस्ट ऑफिस। पुलिस ऑफिस? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस नहीं, पासपोर्ट ऑफिस। यस, द पासपोर्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इज वेयर यू गो टू मेल स्टफ, दैट्स पोस्ट ऑफिस। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग जी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है मेरे प्यारे पति। His name is Lazy Laddie. Lazy Laddie. Guys, हिम्मत एक टीवी शो देखता है जिसमें एक गाय है जिसका नाम है लेजी लैरी, पर वो बहुत ज़्यादा काम करता है, वो सारी सिटी के हर स्टोर में काम करता है, पर उसका नाम है लेजी लैरी। हमने सोचा कि डैडी को लेजी लैरी कह देते हैं, पर देन हमें पता चला कि डैडी का घर का नाम लाडी है, तो हमने कहा लेजी लाडी। लेजी लाडी, हाउ यू डूइंग? पहले अपने गिरेबान में जाके देखो, फिर मुझे लेजी का। लेजी लाडी, सुबह उठते ही हम काम करना शुरू करते हैं, सोने तक हम काम करते हैं लेजी लाडी। तो मैं काम करवाता हूँ? आप कुछ नहीं करवाते सर। आज के इस व्लॉग में हम दिखाएंगे पति का दिनचर्या। पति ने सबसे पहले उठ के गर्म पानी का गिलास पिया नींबू एंड हनी डाल के। एंड दिस इज लेजी लाडी, 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 लाडी। मन्ने, यू कांट से डैडीज नेम, यू कैन से लेजी डैडी। लेजी डैडी। ओके दोस्तों, तो हम गाड़ी में आके बैठ गए। पति हमेशा की तरह लेट है। मैंने अपनी फाइल अच्छी तरह तैयार कर ली है, और पर मुझे डर लगता है जब भी कोई फाइल काम करने जाओ ना, दादा की कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। बट या देखते हैं अब। हमें चल पीछे पर चली गई, सामान आ गया ना पूरा। आई होप सो। नहीं, हिम्मत दे डॉक्यूमेंट को है गया, तेरे सारियां आईडीज है गया, सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, सो जब कुछ आप ऐसा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाते हैं, मैनू बहुत डर लगता रहता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बट हमारे घर में पेपर का वर्क या फाइल फुल फिल मैं ही करती हूँ ज़्यादातर, तो और फिर जब कुछ मिस हो जाता है तो फिर मैंने डर भी लगता है। अब देखते हैं, वैसे तो जो भी चुनिंदा चीज़ें मैंने 50 बार चेक कर ली हैं। तो है ये पहला तो अंदरों देर से निकलेंगे, पर गड्डी पर बैठने तक तैयारी करते हैं। मुछ हो गए ना तो ताऊ सही नहीं होंगे यार, मुझे ताऊ सही करने वाली डब्बी इतने वही है। प्यारी जाइए तो कहनी है कि मैं सब तो लेट शुरू कर दिया तैयार, और ना मैं जल्दी आ जानी है, बट गड्डी तक तो तैयार होती रहनी है। ओके, सो सम प्लांट्स जा रहे हैं मेरी दोस्त के घर। वैसे मैंने उनको कहा कि ज़्यादा सारे ले लें, बट वो आई नहीं है गाड़ी लेके, सो शी गोना टेक सम लेटर। तो ये स्पाइडर प्लांट जाएगा, और ये उनके पास ऑलरेडी है, एंड ये वो ज्वाइन करके बिग बना लेंगी। सो या भूमि की मम्मी लेके जाएंगी ये प्लांट्स।
एक्चुअली काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स बिक चुके हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे अभी भी मार्केट प्लेस में हैं, हस्बैंड ने लगा के रखे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लांट्स, मुझे पैसे नहीं चाहिए उनसे, मैं चाहती हूँ कि प्यारे प्यारे घरों में जाएँ जहाँ पर उनको लव मिले। सो मेरी दोस्त है, एक्चुअली हिम्मत की फ्रेंड है ना भूमि, उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है प्लांट्स का, तो मैंने जब उनको बताया कि वो मेरे प्लांट्स ले सकती हैं तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड मैंने, मुझे भी अच्छा लगा कि उनके घर जाएंगे, तो मैंने देखा कि वो कितने प्यार से रखती है प्लांट्स को। सो उनको मैंने 3-4 प्लांट दिए हैं सुबह, बाकी मैंने उनको बता दिया कि कौन कौन से वो लेटर लेके जा सकती है। मुझे लगता है मैं उनको और 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एक्चुअली मैं 10 और प्लांट्स उनको दूंगी लेटर, क्योंकि कुछ प्लांट्स मुझे चाहिए अभी भी, क्योंकि मैं बिल्कुल खाली नहीं होकर रहना चाहती हूँ। एंड 10 प्लांट्स उनको मैं लेटर दे दूंगी। यह इसी तरह शुरुआत हुई है, समय हो चुका है 12, मैंने ऑलरेडी वीडियो आज की एडिट करके अपलोड कर दी है। एंड मेरी दोस्त का मैसेज आया है कि वो मुझे लंच डिलीवर करेगी, चने एंड राइस, सो मुझे कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी वेरी हैप्पी। एंड अब उसकी वेट करेंगे और वो हलवा भी देके जाने वाली है, और हलवा मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने पति को बताया नहीं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो समय आ गया है मेकअप को डिक्लटर करने का। सबसे पहले मैं लिपस्टिक से गो थ्रू हो रही हूँ अभी। सो फार मैंने इतनी निकाली है जिसको मैं नहीं फेंकने वाली हूँ, वो मुझे लगता है कि एक्सपायर नहीं होंगी, एंड नहीं एक्सपायर हो चुकी हैं। और कुछ नए PR पैकेजेस हैं उनमें हैं, तो वो तो नहीं अभी मैंने ओपन भी नहीं किए, वो लेटर देखी जाएंगी। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जो भी मैंने कलर पॉप से ली थी वो एक्सपायर होंगी, क्योंकि मोर देन 2 ईयर हो चुके हैं, तो वो सारी। ये आसान काम तो नहीं है, बट आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिप्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सो देयर इज़ अ मेजर क्लीन अप एंड डीक्लटर गोइंग ऑन। दिस किड इज डूइंग सम स्टडी एंड ओके नो डीक्लटर इज इन प्रोग्रेस। व्हेन आई डू इट फॉर इट हियर आई एम स्मार्ट। हेलो दोस्तों, तो सुबह के बाद मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही व्यस्त चल रही हूँ। ये तो मैंने एक्चुअली एक कमरे की हालत दिखाई है आपको, बाकी कमरे देख के ना हैरान हो जाएंगे कि क्या उथल पुथल चल रही है। एंड हस्बैंड को अगर कोई टास्क दो वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर रखना पड़ता है, उनके ऊपर आँखें रखनी पड़ती हैं। दोस्तों, तो हस्बैंड को छोटे छोटे टास्क देने पड़ते हैं, उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि ही इज़ नॉट गुड विद ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग और एनीथिंग। सो उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, पर उन्हें नहीं पता चलता है, आई नो। सो अभी मैंने उनको कहा है कि कुछ कुछ करते रहा करो, कह रहे मैंने कुछ कुछ करना पता नहीं है। सो अब मैंने उनको कहा कि अपनी क्लोज़ेट को थोड़ा सा अरेंज कर लो, क्लीन कर लो। एंड अभी वो मेरे पास आए थे और कह रहे कि मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा कि तुमने अपनी क्लोज़ेट क्लीन कर ली? ही सेड यस आई डिड। तो मैं और हिम्मत गए, वो वैसे की वैसे ही है। आई डोंट नो वो उनको क्लीन लग रही है, या उन्होंने अपनी तरफ से क्लीन की है, या भूल गए हैं, या सुना नहीं उन्होंने। सो या देखते हैं कि क्या बात है, उनको दोबारा से करना पड़ेगा। बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी इरिटेट हो गए, मैं भी इरिटेट। वी मस्ट टीच अ लेसन 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 लेसन। तो अपना इंग्लिश द लेसन कर ले, जा कर पहले। आई एम जस्ट किडिंग, आई डिड। लेसन टीच करने आ गया डैडी को अपने काम छोड़ के। जब भी डैडी की बात होती है ना, ये लत घुसाने के लिए ज़रूर आता है। अगर मैं उनसे कोई बात कर रही हूँ, मैं पूछूँ कि तुमने ये किया, अगर वो झूठ बोल रहा है, जल्दी से बताने आता है कि नहीं नहीं इसने नहीं किया, ये ही इज़ लाइंग। ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये पूरा डैडी के पांडे फोड़ दे। सो यहाँ मेरे दोस्त ने आज हमें वाइट चने भेजे, राइस भेजे एंड कड़ा भेजा। एंड हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे कुक नहीं करना पड़ा और मैं ज़्यादा समय अपने काम में लगा पाई, क्योंकि जब कुक करना पड़ता है 2-3 घंटे पार हो जाते हैं। सो यस यस यस, यू कैन टेक ब्रेक। सो यस दोस्तों, मैं अभी क्लीनिंग के प्रोसेस में हूँ, चीज़ों को खाली करने में, अरेंज करने में, डीक्लटर करने में। थोड़ी देर में मिलते हैं आपको मैम, बाय। एंड हिम्मत को पढ़ा भी रही हूँ मैं साथ साथ, उसको पढ़ाना बहुत जरूरी। सो वापस आ चुकी हूँ मैं, अब बारी आती है सिंगल आई शैडोज़ को क्लीन करने की। सो इनमें से काफ़ी सारे आई शैडोज हैं जो मुझे लगता है 4-5 साल पुराने होंगे। सो ये बहुत सारे मेरे पास कलर पॉप के आई शैडोज है, ये मुझे लगता है कि मैंने लिए थे, ये मुझे लगता है कि मैंने लिए होंगे 2015 में, 5-6 साल पुराने। सटने के लिए मेरा मन ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लगते थे, पर इतने यूज़ नहीं कर सकते हैं।
आईज पे वैसे मैं थोड़ा एक्सपायर प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, स्पेशली अगर आई शेडो है, लाइनर नहीं एंड मस्कारा नहीं, क्योंकि वो आई के अंदर तक जा सकता है। पर अब ये पत्थर जैसे हो गया तो ये सारे मुझे फेंकने पड़ेंगे। और वैसे भी मुझे, मैंने नोटिस किया, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ इनको, हार्डली एक दो बार किसी वीडियो पे यूज़ किया हुआ उसके बिना नहीं। सो ऐसे ऐसे हम लोग इसको गुड बाय कह देंगे। और ऐसे ही मेरे पास ये लॉरियल एंड रेवलॉन के भी हैं कलर टैटूज एंड मेबलिन सॉरी। सो ऐसे पिद पिद्दे कितने सारे मेरे पास आई शेडोज हैं। सो आई थिंक ये होंगे मेरे पास। ओके गिर रहे नीचे। इतनी प्यारी प्यारी आई शेडोज है ना, इतनी प्यारी प्यारी पैकेजिंग है, सुटने के लिए मन नहीं कर रहा था मेरा। बिन में जाएंगे ये, मैं चेक नहीं करूँगी क्योंकि मैं चेक करूँगी ना फिर मेरा दिल करेगा रखने के लिए, फिर मैं सुटूँगी नहीं। कई आई शेडोज की पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है। हेलो दोस्तों, आज है अगला दिन। कल मैं पूरा व्लॉग नहीं कर पाई, मेरी कोशिश तो होती है कि मैं रोज व्लॉग फिनिश कर पाऊँ बट मैं नहीं कर पाई हूँ। हस्बैंड कहीं पे गए हैं अभी। एंड आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले सेफोरा से सामान खरीदा था, तो मैं आपके साथ हॉल करने वाली हूँ क्विकली। उसके बाद हम आज के प्रेजेंट डे के व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। पर मैंने सोचा कि आपके साथ सामान शेयर कर लेती हूँ मैं क्या कर लिया है। एक्चुअली दो चीज़ें डाउनस्टेयर मेरे बैग में हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके कलर मुझ पर सही नहीं आए हैं, बट मैं उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। समटाइम मैं नहीं करती हूँ, बोल जाती हूँ। ऑल राइट, सबसे पहले मैंने लिया है मेरा फेवरेट फाउंडेशन बॉर्न दिस वे फ्रॉम टू फेस। जो मैं शेड यूज़ करती हूँ वो है हनी। ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी क्वालिटी का है, आपके फेस को बहुत अच्छी कवरेज देता है और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है आपके चेहरे पे। अगर आप हाई एंड ट्राई करना चाहते तो ये ट्राई करें। और मुझे लगता है कि ये सारी स्किन टोन सारी स्किन कंसर्न्स के लिए अच्छा है, लाइक स्किन टाइप्स के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, लॉन्ग वेयरिंग है, फोटो फ्रेंडली है एंड नॉन कमेडोजेनिक है। सो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जो मैं फाउंडेशन मेरे चेहरे पे लगाऊं वो मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं करे, क्योंकि जब पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो स्किन में टेक्सचर आ जाता है एंड देन पिंपल्स होते हैं। सो ये वन ऑफ दोज है, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं। अगला मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, मुझे लगता है तीसरी या फोर्थ होगी, ये नार्स का नेचुरल रेडियंट। पहले मैं वाटर वाला लिया था मैंने, बट जब मैंने इसकी फिनिश देखी तो मुझे लगा कि यार और कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा फिनिश अच्छी है इसकी। जो मैं शेड यूज़ करती हूँ वो है सारा क्यूज मीडियम डार्क वन, परफेक्ट मैच है। थोड़ा सा डार्क होता है बट मुझे लगता है जब आप फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क लगा लेते हैं ना तो कंसीलर के साथ बहुत अच्छा मैच हो जाता है। सो आज मैंने जो फाउंडेशन लगा के रखा वो भी मुझ पर थोड़ा सा डार्क है, वो है ये फेंटी का मैंने लिया है। और शेड मुझे लगता है सेबल है शेड का नाम, 330। एंड ये मुझ पर डार्क है, मैंने इसको मेरे चेंज करने के लिए मेरे बैग में रखा है। मेरा प्लान था बाहर जाने के लिए आज, तो मैंने सोचा मैं चेंज करके आऊँगी, सो उसको मैंने बैग में रख लिया। और दूसरा मैंने फाउंडेशन लिया है ये बेयर मिनरल्स का पाउडर फाउंडेशन। इसके बारे में मैंने बहुत सारा सुना है कि ये बहुत अच्छी कवरेज देता है, और आपको पता है मेरे चेहरे पर स्कार्स होने की वजह से, तो अगर मेरा पाउडर फाउंडेशन भी मुझे कवरेज दे तो डबल कवरेज हो जाती है। सो बेसिकली मैं पाउडर फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर यूज़ करती हूँ कवरेज के लिए एंड फेस को सेट करने के लिए। एक ही सांस में कितना कुछ बोल दिया मैंने। सो अगला मैंने लिया है ये पोर फैशनल का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। अच्छा लगता है मुझे ये, तो मैंने ये ले लिया है। वैसे मैं स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इस टाइम मुझे लगा कि मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने काफ़ी साल पहले यूज़ किया था, बट मुझे लगता है कि बेनिफिट का अभी नंबर वन प्रोडक्ट यही है। एक्चुअली उनके ब्रो प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट ये भी वन ऑफ द बेस्ट है उनका। एंड उसके बाद मैंने चिंगी मिंगीज ली हैं, जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके साथ, जो भी चिंगी मिंगी मिलती है वो ली है और थोड़ी सैम्पल्स हैं। एंड देन मैंने बेसिकली मैंने तीन चार फाउंडेशंस लिए हैं, प्राइमर एंड चार लिक्विड लिपस्टिक्स। सो फाउंडेशन मैंने वही लिए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिन पे मुझे भरोसा है। लिपस्टिक मैंने ली है ये लिप सेफोरा का लिप साटिन लिक्विड लिपस्टिक्स। बहुत अच्छी फिनिश है इन लिपस्टिक्स की। मेरे पास आई थिंक दो या तीन और हैं, अगर आप चाहें तो मैं इन सारे छः का स्वैच करके बता दूंगी कि मेरी स्किन पे कैसे लगते हैं। क्योंकि ये जो लिपस्टिक्स है ना हाई एंड क्वालिटी की हैं, बहुत अच्छी फिनिश देती हैं, प्राइस भी अच्छा है। क्योंकि सेफोरा पे 30% एक्स्ट्रा ऑफ था तो मैंने सोचा कि चार ले लेती हूँ, वैसे मैं इतनी नहीं लेती, पर एक साल तक एक्सपायर नहीं होंगी तो इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर लिया है। मैंने कलर जैसे ही लिए हैं जो मैं सारा साल पहन सकती हूँ। एक तो रेड है, बहुत ही प्यारा रेड है ब्राउन स्किन के लिए, ट्राई करके बताऊंगी लेटर। एक बहुत ही प्यारा पिंक है, मुझे लगता है मैंने यही पहना था बट अब उतर गया है। एंड देन ये बहुत ही प्यारा बर्न्ड ऑरेंज
शेड है, ये भी फॉल के लिए या विंटर के लिए अच्छा है। एंड एक और कूल टोन है जो मैंने मेरे कल इंस्टाग्राम लाइव में लगा के दिखाया था, ये भी अच्छा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताना, मैं इन सारे का एक लिप स्वैच वाला वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि अब मैं काफ़ी बिजी हूँ, ये काम मैं कर नहीं सकती हूँ। पर या बेसिकली मैंने यही लिया है। बाकी चिंगी मिंगी में क्या है, ओरिजिन की जिनसिंग वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार है ये। एंड देन मैंने ये छोटू सा क्लिनिक का बाम लिया है फेस मेकअप को रिमूव करने के लिए। अर्ली डेज में मैं इसका बाम यूज़ करती थी, बड़ा डार्क था मेरे पास, एंड काफ़ी अच्छा काम करता है ये, तो मुझे लगा कि मेरे पॉइंट्स को अच्छा यूटिलाइज़ करूँगी अगर मैं ये लूँगी। एंड देन मैंने ये एक मोराड की ट्रीटमेंट लिया है स्कार्स के लिए एंड टेक्स्चर्ड स्किन के लिए, मैंने ट्राई नहीं किया अभी ये। सो बस यही लिया है मैंने सेफोरा से। मैंने आपको कहा था कि मैं क्विक सी हॉल कर दूंगी, तो इस व्लॉग में मैंने ये क्विक सी हॉल कर दी है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मैं मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। All you have to do is think about it and take action. That's very easy peasy lemon squeezy. I love you.